75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे आयोजन की जा रही है. तो उसमें जो ओपन एयर एग्जीबिशन लग रहा है वो आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स लगा रही है. पिक्चर एग्जीबिशन और पेंटिंग वर्कशॉप है वो ललित कला एकेडमी कर रही है. बुक्स की एग्जीबिशन है, जो जितनी भी बुक्स नेताजी के ऊपर प्रकाशित हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, उसको हम लोग वहाँ पे दर्शा रहे हैं. और स्कल्पटिंग वर्कशॉप वो भी ललित कला एकेडमी द्वारा किया गया है. और जो मशहूर आपके सैंड स्कल्पचर हैं पद्मश्री अवॉर्डी सुदर्शन पटनायक, वो भी वहाँ पे सॉयल लाया गया है, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट से भी, जहाँ से मोयरांग में पहली बार वो जो हमारा झंडा था वो फहराया गया था, मोयरांग का भी जो उसकी भी जो सॉयल है उसको लाई गई है और वहाँ पे सैंड स्कल्पचर हो रहा है. उसके अलावा एक स्पेशल इंडोर एग्जीबिशन एरिया है जिसमें होलोग्राम है नेताजी का, नेताजी के पत्र रखे गए हैं चुनिंदा जो वहाँ पे हैं, नेताजी के कुछ भाषण हैं जो आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं. नेताजी की जो पराक्रम दिवस पे किया जा रहा है वो है एक लाइट एंड साउंड शो जिसमें थिएट्रिकल एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें जिसको NST के साथ सौजन्य के साथ मिलकर उसको किया गया है. वो दीवाने आम के ऊपर उसको 20 मिनट के करीब ये प्रोजेक्शन मैपिंग है विद थिएटर, और जिसको जिसकी स्क्रिप्ट वो मशहूर जो स्क्रिप्ट राइटर हैं अतुल तिवारी, उन्होंने लिखी है स्क्रिप्ट. तो ये सारा कार्यक्रम जो है ये 31 तारीख तक रेड फोर्ट में चलेगा. भारत पर्व भी साथ साथ चल रहा है मिनिस्टर टूरिज्म का, तो उसके साथ जो कि इस बार थीम विमेन एम्पावरमेंट का भी है, तो उसको भी एक तरह से हम सल्यूट कर रहे हैं आनंद सूत्रा के थ्रू. 1870 पैनल्स होंगे जिसमें डिफरेंस हर स्टेट के, हर यूटी के आपको साड़ियाँ, वीव्स, एम्ब्रॉयडरीज, ब्रोकेट्स, ब्लॉक एंड डाइस, ये अलग अलग जगह से आई है और उसका नाम हमने आह्वान लिया है ये पूरे हेराल्डिक को. और उसमें अपने अपने कॉस्ट्यूम में और अपने अपने वाद्यों के साथ नारी शक्ति अपनी प्रदर्शन करने जा रही है. ये हेराल्डिक हुई भारतम है. वंदे भारतम का हमारा थीम है संकल्प से सिद्धि, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नारी शक्ति और पंच प्राण को महत्व देकर विकसित भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा गान किया गया है. उसमें ट्रॉलर है, उसमें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वैदिक काल से या इससे भी पहले के काल से लोकतांत्रिक परंपराओं का भारत में अनुसरण होता आया है. बाकी हमारा दूसरा ट्रैक्टर है, उस पर हमने एक आकृति प्रस्तुत की है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर, जो हमारी संविधान निरूपण समिति के अध्यक्ष थे, वो संविधान को संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं. दरअसल चूंकि हम देश की सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर चलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और कहीं ना कहीं उसको आज़ादी के बाद नकारने का प्रयास हुआ और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अभी की सरकार ने किया,